सोलन में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक तांत्रिक ने महिला को अपने जाल में फंसाकर रात को उसे सुनसान इलाके में ले गया और जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया, जहां उसके साथ तांत्रिक और उसके चेले ने रात भर दुष्कर्म किया। इस घटना की जानकारी महिला ने अपने परिवार वालों और पुलिस को दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तुरंत तांत्रिक और उसके चेलों को सलाखों के पीछे पहुँचा दिया। सोलन में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक तांत्रिक ने महिला को अपने जाल में फंसाकर रात को उसे सुनसान इलाके में ले गया और जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया, जहां उसके साथ तांत्रिक और उसके चेले ने उसके साथ रात भर दुष्कर्म किया। सुबह महिला ने शौच जाने का बहाना बनाया और खिड़की से निकलकर भागी। तब भी महिला का पीछा चेला करता रहा, लेकिन महिला ने हार नहीं मानी और सड़क पर आ गई और लिफ्ट लेकर सोलन पहुंची। तब उसने अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी अपने परिवार वालों और पुलिस को दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तुरंत तांत्रिक और उसके चेले को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। महिला ने उसके साथ हुई घिनौनी वारदात को मीडिया के समक्ष रखा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। महिला ने बताया कि उसे तांत्रिक द्वारा डराया गया कि उसके परिवार पर शैतान का साया है, जिसके कारण उसका बेटा बीमार है और अगर उसके लिए शमशान में जाकर पूजा नहीं करेगी या तो वे मारी जाएगी या उसका बेटा मारा जाएगा। साथ में उसे ये आश्वासन भी दिया गया कि उसके साथ एक और महिला भी रहेगी, तो वे भी जाने को राजी हो गई। लेकिन जैसे ही वे नारक के पास पहुंची तो उन्होंने जबरन उसे घसीट कर कमरे में डाल दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मैं ऐसे भागी वहां से कि रात को पहले हम यहाँ से चले गए, 7 बज के करीब गए हम यहाँ से। फिर हम नारक में पहुंचे, फिर इन्होंने मेरे को अंदर को धक्के दे के दिखाल दिया अंदर को। जो दूसरी लेडीज थी जो साथ में, और वो दोनों जने प्रकाश और लेडीज चले गए निचले कमरे में, वो दोनों मैं रहेगी ऊपले कमरे में और बच्चा रहेगा साथ में, जो ये बैठा हुआ था यहाँ पे ये साथ रहेगा ऊपले कमरे में। फिर ये लोग आधे घंटे बाद ऊपर आए, आधे घंटे बाद ये लोग नीचे से ऊपर आ गए। फिर कहने लगे कि अब तुम्हारी बारी है, कि बस तुम्हारा तो ज़्यादा काम नहीं है, तुम्हारा तो 2-2.5 घंटे का काम है, फिर पर आपका काम 12 बजे होएगा। तो मैंने कहा माँ कब 12 बजे मेरा काम हो रहा, तो फिर यहाँ क्यों लाए आप, वहाँ घर पे तो हो सकता था काम। फिर उन्होंने कहा कि फिर वहाँ पे नहीं हो सकता था काम, कि यहीं होना था काम आपका। तो मैं कहा तो 12 तो बजने वाले है। बोला हाँ ठीक ठीक है, उठ जाओ तैयार हो जाओ फिर आप भी। फिर वो लोग बहुत बुरा किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसे दरिंदों ने मेरे कपड़े उतार के और फिर उन्होंने मेरे साथ चुप किया। तो मैं भगवान को भी माफ ना मैंने करूँ उनको, मैं तो बोलूँ भगवान जैसे इन्होंने कपड़े मेरे उतारे ऐसे भगवान इनके आज इनके उतरने चाहिए। बस मेरी ये दुआ है भगवान के पास, क्यों किया इन्होंने दरिंदों ने मेरे साथ ऐसा। तो आप क्यों गए, क्यों सर ऐसे बोला, मेरा बेटा काफी दिन से बीमार सर, कहते ये पितर जुगाड़ का काम करता है। तो इन्होंने कहा कि आपका बेटा मर जाएगा और आप भी मर जाएंगे, कोई भी मर सकता, 2 में से 1 मर सकता है। तो मैंने कहा अपने पति को फोन किया, मैं कैसे ऐसा कह रही है भी ऐसा होने वाला है। तो उन्होंने कहा तेरे साथ कोई और लेडीज है, मैं कहा हाँ जी है जी मेरे साथ लेडीज, कौन है, मैं कहा दूसरी लेडीज है भी कि मेरा भी काम है। तो फिर ठीक है भी अगर तेरा भी काम है तो ठीक, रुक जा भी कहते तू वहाँ पे, इस करके रुक के मैंने, तो मैंने रुकना नहीं था पर इन्होंने धोखे में लिया मार को गाड़ी में बटाल के कहाँ पहुँचा इन्होंने नारंग वास ने से इन्होंने कर सकती। मैं तो सोसाइटी का निकली, मैं तैयार हूँ आज तो मैं बहुत बुरा मेरे साथ। अधिक जानकारी देते हुए एसपी सोलन मधुसूदन ने बताया कि महिला का बेटा पिछले काफी समय से बीमार था, जिसके इलाज के लिए वे तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने उसके बेटे को ठीक करने की गारंटी दी और उसे इसके लिए सुनसान जगह पर तांत्रिक क्रिया करने की बात कही। भोली भाली महिला बेटे की अच्छी सेहत के लिए ये भी करने को तैयार हो गई। तांत्रिक के साथ वे नारक के पास सुनसान घर पर गई, लेकिन वहां पहुंचते ही तांत्रिक के हाव भाव बदल गए और उसे एक कमरे में बंद कर दिया और तांत्रिक और उसके चेले ने उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ समय बाद जब दोनों सो रहे थे तो महिला ने खिड़की से भागकर अपनी जान बचाई और दोनों की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।